आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले हैं, ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ, ठीक है आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी, मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है, आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले आगे सुधार करेंगे। 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किया, हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि किसान, छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके, और बहुत मामूली रकम से ये काम शुरू किया, और पिछले 4-5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपये, छोटी रकम नहीं, 90,000 करोड़ रुपये उसके क्लेम किसानों को मिले। हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं है, कोई ये तो मना नहीं कर सकता है समस्याएं नहीं, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा, और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा, हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ, बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। आदरणीय सभापति जी, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई, ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई, किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है, लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं, उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे मुझे खात्री है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गांभीर्य दिया, और उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास है उसकी सराहना भी की, क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भर, और उन्होंने इस सरकार के प्रयासों की सराहना भी की, और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां है, मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो विस्तार से वो बताया था उसी का जिक्र करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो चौधरी साहब की विरासत संभालने का गर्व करते हैं, वो जरूर इस बात को समझने का शायद प्रयास करेंगे। वो अक्सर 1970-71 जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसका जिक्र उनकी भाषण में हमेशा आता था और उल्लेख करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था, उनका कोट है, किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है,
दो बीघे नहीं है, दो बीघे तक है, दो बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास दो बीघे से चार बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से एक हेक्टर, ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे अपनी छोटी सी जमीन पर, इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। ये चौधरी चरण सिंह जी का कोट है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही हमेशा पीड़ा देती थी और हमेशा उसकी चिंता करते थे। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान जिनके पास एक हेक्टर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% प्रति किसान ज्यादा किसान के पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़कर के गए हैं, हमें जवाब को ढूंढना होगा। हमें चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी, इस काम के लिए जिसको जो सूझे, जिसको मौका मिले, सबने करना होगा, तब जाकर के हम इन कर सकते हैं। अब पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान था क्या? अगर एक बार हम थोड़ा सोचेंगे तो ध्यान आएगा। मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमने सचमुच में, हम सबने सोचने की आवश्यकता है। जब हम चुनाव आते ही एक कार्यक्रम करते हैं कर्ज माफी, अब वो किसान का कार्यक्रम है कि वोट का कार्यक्रम है, वो तो हिंदुस्तान में हर कोई भलीभांति जानता है। लेकिन जब कर्ज माफी करते हैं तब छोटा किसान उससे वंचित रहता है, उसके नसीब में कुछ नहीं आता है, क्योंकि कर्ज माफी जो बैंक से लोन लेता है उसके लिए होती है। छोटा किसान का बेचारा बैंक में खाता नहीं, वो कार लोन लेने जाएगा। हमने छोटे किसान के लिए नहीं किया है, भले ही हमने राजनीति कर ली हो। एक दो एकड़ जमीन वाले किसान जिसके पास बैंक का खाता भी नहीं है, न वो कर्ज लेता है, न कर्ज माफी का फायदा उसको मिलता है। उसी प्रकार से पहले की फसल बीमा योजना क्या थी? एक प्रकार से वो बीमा जो बैंक गारंटी के रूप में काम करता था, और वो भी छोटे किसान के लिए तो नसीब ही नहीं होता था, वो भी उन्हीं किसानों के लिए होता था जो बैंक से लोन लेता था और उसका इंश्योरेंस होता था, तो बैंक वालों को भी एक विश्वास हो जाता था, चल जाता था। आज दो हेक्टर से कम कितने किसान हो गए जो बैंक से लोन? सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा भी छोटे किसान के नसीब नहीं हुई। बड़े किसान तो बड़ा बड़ा पंप लगा देते थे, ट्यूबवेल कर देते थे, बिजली भी ले लेते थे और बिजली भी मुफ्त मिल जाती थी, उनका काम चल जाता था। छोटे किसान के लिए तो सिंचाई के भी लिए दिक्कत थी, वो तो कभी ट्यूबवेल लगा ही नहीं सकता था, कभी कभी तो उसको बड़े किसान से पानी खरीदना पड़ता था और जो दाम मांगे वो दाम देना पड़ता था। यूरिया, बड़े किसान को यूरिया प्राप्त करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, छोटा किसान को रात रात लाइन में खड़े रहना पड़ता था, उस पर डंडे चलते थे और कभी कभी तो बेचारा यूरिया के बिना घर वापस लौट जाता था। ये हम छोटे किसानों के हाल जानते हैं। 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किया, हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि किसान, छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके, और बहुत मामूली रकम से ये काम शुरू किया। और पिछले 4-5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपये
छोटी रकम नहीं है, 90,000 करोड़ रुपए उसके क्लेम किसानों को मिले हैं। कर्ज माफी से भी आंकड़ा बड़ा हो जाता है। छोटा किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड हुए लेकिन बड़े किसानों तक गए और वो बैंक से बहुत ही उत्तर राज्यों में 0% से ब्याज से उनको मिल जाते थे पैसे, और उनके कोई ना कोई दो धंधा व्यापार होता था, पैसे वहाँ भी लग जाते थे। छोटे किसान के नसीब में ये नहीं था। हमने तय किया हिंदुस्तान के हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। इतना ही नहीं, हमने उसका तो दायरा फिशरमैन तक भी बढ़ा दिया ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और 2.25 करोड़ से ज़्यादा किसानों तक ये किसान क्रेडिट का काम पहुँच चुका है, और बाकी भी राज्यों से आग्रह कर रहे हैं कि लगातार उसको आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें, और राज्यों की मदद जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा ये काम हो जाएगा। उसी प्रकार से हम एक योजना ले आए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, सीधे किसान के खाते में, और ये गरीब किसान को जिसके पास कभी इस प्रकार की मदद नहीं पहुंची। 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिल गया, और अगर बंगाल में राजनीति आड़े ना आती तो बंगाल के किसान भी अगर जुड़ गए होते तो ये आंकड़ा उससे भी ज़्यादा होता। और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपया इन किसानों के खाते में गया। ये गरीब छोटे किसान उनके पास गया है, हमारी सब योजनाओं के केंद्र बिंदु में सॉइल हेल्थ कार्ड, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही ताकि हमारे छोटे किसान को भी उसकी ज़मीन कैसी है, कौन सी उपज के लिए योग्य होगा, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए काम किया। उसी प्रकार से हमने यूरिया का नीम कोट 100% किया। 100% के पीछे इरादा हमारा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रुकावट ना हो, यूरिया डाइवर्ट होता है बंद हो, और उसमें हम सफल भी हुए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमने पहली बार पेंशन की सुविधा की योजना लेकर के आए, और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हमारे छोटे किसान भी आ रहे हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये किसानों की गांव की जिंदगी को बदलने का एक बहुत बड़ा यश रेखा होती है, और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की, छोटा किसान का माल बिकता नहीं था, आज किसान रेल के कारण गांव का किसान रेलवे के माध्यम से मुंबई के बाजार तक अपना माल बेचने लगा, फल सब्जी बेचने लगा है, उसका लाभ ले रहा है, छोटे किसान को फायदा हो रहा है। किसान उड़ान, किसान उड़ान के द्वारा हवाई जहाज से अब जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अभाव में वहाँ का किसान हमारा बेनिफिट नहीं ले पाता था, आज उसको किसान उड़ान योजना का लाभ मिल रहा है। छोटे किसानों की परेशानियों से हर कोई परिचित है, समय समय पर उनके सशक्तिकरण की मांग भी उठी है। हमारे आदरणीय शरद पवार जी और कांग्रेस के भी हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है, और आज नहीं जब भी जो जहाँ थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि भाई मैं सुधारों के पक्ष में हूँ, ठीक है पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहाँ पर ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फॉरम में चली, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद, हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए अब समय आ गया, ये ठीक है फुटस्टूप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी, मैं भी दावा नहीं कर सकता हूँ कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता है जी, ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है, आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले आगे सुधार करेंगे, नई चीज़ों को जोड़ेंगे,
यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की यहाँ मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। प्लीज प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहाँ सरकारें हैं वहाँ आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है, शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया, तो वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। हम कुछ और बातों की और भी ध्यान दें। अब देखिए दूध उत्पादन किसी बंधनों में बंधा हुआ नहीं, न पशुपालक बंधनों में बंधा हुआ है न दूध बंधनों में बंधा हुआ। लेकिन मजा देखिए, दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव, दोनों ने एक ऐसी बड़ी मजबूत चेन बनाई है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन हमारे देश में बनी है। इसको हमने जो अच्छा है उसको, और ये मेरे काल में नहीं बना है, आप भी इसका गर्व कर सकते हैं, मेरे काल से पहले बना हुआ है, हमें गर्व करना चाहिए। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में ज्यादातर बाजारों का सीधा संपर्क रहता है, बाजारों की दखल हट गई है, इसका लाभ मिल रहा है। क्या डेयरी वाले सफल सब्जी खरीदने वाले उद्यमी पशुपालों की किसान क्या जमीन पर कब्जा हो जाता है, उनका पशुपालन पर पशु पर कब्जा हो जाता है? नहीं होता, दूध बिकता है, पशु नहीं बिकता है जी। हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 28% से भी ज्यादा है, यानी इतना बड़ा हम एग्रीकल्चर की चर्चाएं करते हैं इस पहलू को हम भूल जाते हैं, 28% कंट्रीब्यूशन है और करीब करीब 8,00,000 करोड़ रुपयों का कारोबार है। जितने रुपये का दूध होता है उसका मूल्य
अनाज और दाल दोनों मिला ले तो उससे ज्यादा है। हम कभी इस तरफ देखते ही नहीं है। पशुपालकों को पूरी आजादी, अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को जैसे पशुपालक को आजादी मिली है, इनको आजादी क्यों नहीं मिलने चाहिए? और इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है, जैसा हम लोगों की स्वभाव रहा है, घर में भी थोड़ा सा भी परिवर्तन करना हो तो घर में भी एक तनाव शुरू है। चेयर यहाँ क्यों रखी, टेबल यहाँ क्यों रखा, घर में भी होता है। इतना बड़ा देश है और जिस प्रकार की परंपराओं से हम पले बड़े हैं, तो ये मैं स्वाभाविक मानता हूँ। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो थोड़ा बहुत रहता ही हमारे यहाँ, क्योंकि असमंजस की स्थिति भी रहती है। लेकिन जरा वो दिन याद कीजिए जब हरित क्रांति की बातें होती थी। हरित क्रांति के समय जो कृषि सुधार हुए, तब भी जो आशंकाएं हुई, जो आंदोलन हुए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये देखने जैसा है। कृषि सुधार के लिए सख्त फैसले लेने के उस दौर में शास्त्री जी का हाल ये था कि अपने साथियों में से कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि ऐसा है, हाथ जल जाएंगे और किसान नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये शास्त्री जी के समय की घटनाएं हैं। और अंत में शास्त्री जी को सी सुब्रमण्यम जी को कृषि मंत्री बनाना पड़ा था और उन्होंने रिफॉर्म्स की बातें की। योजना आयोग ने भी उसका विरोध किया था, मजा देखिए, योजना आयोग ने भी विरोध किया था। वित्त मंत्रालय सहित पूरी कैबिनेट के अंदर भी विरोध का स्वर उठा था, लेकिन देश की भलाई के लिए शास्त्री जी आगे बढ़े और लेब पार्टी, जो आज भाषा बोलते हैं ना, वही उस समय बोलते थे। वो यही कहते हैं, अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी ये कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस ये कर रही है। सारे जी जितना आज मेरे खाते में जमा है ना, वो पहले आपके यहाँ बैंक में अकाउंट में था, सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे नेता, कांग्रेस के नेताओं को। ये सब कुछ लेप वाले जो आज भाषा बोलते हैं, वो उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी। कृषि सुधारों को छोटे किसानों को बर्बाद करने वाला बताया गया था। देश भर में हजारों प्रदर्शन आयोजित हुए थे, बड़ा मूवमेंट चला था। इसी माहौल में भी लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद की सरकार जो करती रही, उसी का परिणाम है कि जो हम कभी पीएल 480 मंगवा करके खाते थे, आज देश अपने किसान ने अपनी मिट्टी से पैदा की चीजें को खाता है। रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद भी हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं हैं, कोई ये तो मना नहीं कर सकता है, समस्याएं नहीं है। लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। हमारे रामगोपाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया, सरकार ने भी बीज खाद सारी चीजें कोरोना काल में भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं होने दी, कोई संकट नहीं आने दिया और उसका सामूहिक परिणाम मिला कि देश के पास यह भंडार भरा रहा। उपज की रिकॉर्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में ही हुई। तो मैं समझता हूं कि हमने नए नए उपाय खोज करके आगे बढ़ना होगा। और जैसा मैंने कहा, कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए
कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है, और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हैं ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को ख़त्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले हैं। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। आदरणीय सभापति जी, ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे, और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए उनके लिए हम और अवसर उपलब्ध करा सकें। इनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हमने काम करना होगा। और मैं मानता हूं कि हम अगर देर कर देंगे, हम अगर अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फंसे रहेंगे तो हम किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। कृपा करके हमें उज्जवल किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए इससे बचना चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, हमें इस बात की चिंता करनी होगी। आदरणीय सभापति जी, डेयरी और पशुपालन हमारे कृषि क्षेत्र के साथ बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हमारा किसान पगभर हो। उसी प्रकार इसी काम के लिए हमने फूट एंड माउथ डिसीज के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है ताकि वो किसान को या पशुपालक जो बाय एंड लार्ज किसानी से जुड़ा हुआ रहता है उसको भी लाभ होगा। हमने फिशरीज को भी एक अलग बल दिया, अलग मिनिस्ट्री बनाई, और 20,000 करोड़ रुपये मत्स्य संपदा योजना के लिए लगाया है ताकि ये पूरे क्षेत्र को एक नया बल मिले। स्वीट रिवॉल्यूशन, भारत में बहुत संभावनाएं हैं, और इसलिए भारत ने किसान उसके लिए बहुत जमीन की जरूरत नहीं, अपने ही खेत के कोने में वो कर दें तो भी साल में 40,000-50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा लेगा वो। और इसलिए
हम स्वीट रिवॉल्यूशन, शहद के लिए, हनी के लिए, उसी प्रकार से बी वैक्स, दुनिया में बी वैक्स की मांग है, भारत बी वैक्स एक्सपोर्ट कर सकता है, हमने उसके लिए एक माहौल बना। और किसान के खेत में ही, छोटे किसान होगा तो एक कोने में वो एक नई कमाई कर सकता है, हमने इसको जोड़ना होगा। और मधुमक्खी पालन के लिए कुछ सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है, वो आराम से अपने यहाँ कर सकता है। सोलर पंप, सोलर हम कहते हैं अन्नदाता ऊर्जादाता बने, उसके खेत में ही वो अपने सोलार सिस्टम से ऊर्जा भी पैदा करे, सोलार पंप चलाए, अपनी पानी की आवश्यकता को पूरी करे, उसके खर्च को, बोझ को बंद करे, और फसल एक लेता है तो दो ले, दो लेता है तो तीन ले, क्रॉप पैटर्न में बदल करना है तो बदल कर सके, उसकी दिशा में हम जा सकते हैं। और एक बात है, भारत की ताकत ऐसी समस्याओं के समाधान करने की और नए रास्ते खोजने की रही है, आगे भी खुलेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिशें कर रहे हैं, हमें इन लोगों को जानना होगा। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को, जब 84 के दंगे हुए सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को, जो जम्मू कश्मीर में हुआ निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा, ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। इसके पीछे कौन ताकतें हैं, हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है, और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे, खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं, यह देश हर सिख के लिए गर्व करता है, देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है, मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है।